वेजिटेरियन हॉट डॉग्स आज हम बनाएंगे इंडियन स्टाइल में, बहुत ही इजी स्टेप्स में। ये एक परफेक्ट पार्टी और स्नैक रेसिपी है। हॉट डॉग की फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए तो हम उसमें डालेंगे गार्लिक और जिंजर। अब हमें इसे टॉस करना है 1 मिनट तक, ताकि दोनों में अच्छा एक लाइट गोल्डन कलर आ जाए। आप चाहें तो इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। हमें इसे 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सौते करना है, ताकि इसमें एक अच्छा गोल्डन कलर आए। आप इसे ओवर कुक नहीं करें। आप देखें, अब 4 मिनट बाद ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च, और इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। हमें इसे कुक करना है ताकि टमेटोज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। ये एक टिप आप ध्यान रखें, अगर आप चाहते हैं आपके टमाटर प्याज इजीली कुक हो जाएं, आप सॉल्ट उसमें ऐड करें। तो आप इसे 3 से 4 मिनट तक स्टर करते हुए पकाएं। बीच बीच में जहाँ पीसेज हैं आप उसको मैश भी कर सकते हैं स्पून की हेल्प से। तो आप देखें, अब ये परफेक्टली कुक हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, और इसको भी अब हम 2 मिनट तक कुक करेंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद की और भी वेजीज डाल सकते हैं, जैसे कि बीन्स हो गई, गाजर हो गई, बेबी कॉर्न हो गया, बट मैं सिर्फ शिमला मिर्च डालना पसंद करती हूँ। अब ढक के हम इसे पकाएंगे 2 मिनट। आप देखें, 2 मिनट बाद अब ये परफेक्टली कुक हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर पाउडर, चिली सॉस और टमेटो केचप। जी हाँ, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है चिली सॉस और टमेटो केचप से, सो आप इसको ज़रूर डालें। अब हम इसे 2 मिनट तक फिर ऐसे स्टर करते हुए कुक करेंगे। अब आप देखें, बिल्कुल ये बन के अब रेडी है। इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे पनीर। आप इसमें चाहें तो ग्रेट किया हुआ पनीर भी डाल सकते हैं, मैंने हाथ से क्रश करके डाला है। अगर आपको पीसेस पसंद है पनीर के तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से कुक करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, नींबू का रस। जी हाँ, ज़रूर डालिए, बहुत मज़ेदार स्वाद देता है आपकी इस फिलिंग को। तो अब मैंने इसे 1 मिनट पकाया है। आप देखें, फिलिंग हमारी बन के अब बिल्कुल रेडी है। ये मैं हॉट डॉग बंस ले रही हूँ, आपको किसी भी बेकरी में आसानी से मिल जाएंगे। इसको बीच में से हमें स्लिट करना है, तो एक शार्प नाइफ की हेल्प से आप इसको कट करें, और इसी तरह से आप बाकी के तीनों बंस में भी स्लिट लगाएं। हॉट डॉग को असेंबल करने के लिए अंदर हम लगाएंगे मेयोनीज। मेयोनीज से आप इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और आपकी ब्रेड को अंदर से ये सॉफ्ट रखेगा। अब आप इसमें जेनरसली स्पूनफुल डालें हमारी फिलिंग, जितनी ज़्यादा या कम आपको पसंद है, थोड़ी ज़्यादा ही डालेंगे तो अच्छी लगेगी। तो अच्छे से आप इसे फिल करें। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मस्टर्ड सॉस और इसी के साथ टमेटो केचप। आप चाहें तो मेयोनीज भी डाल सकते हैं ऊपर से। तो लीजिए, तैयार है आपके प्योर वेज हॉट डॉग बंस। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप इसको ज़रूर बनाएं। और अगर बनाएं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी।